नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। नवभारत अखबार में किन खबरों को आज प्रमुखता से दिखाया गया है, मैं यानी ज्ञानेश और मेरे साथ आज उत्कर्ष है, हम आपको बताएंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, फटाफट आपको अपडेट करते हैं। पहली खबर है हल्द्वानी से जुड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश आया है। रातों रात 50,000 लोगों को जबरन बेघर न करें, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर रोक है। उत्कर्ष, इसमें ये डिटेल पे एक कॉपी यहाँ पे लगी हुई है जिसमें अदालत ने कहा कि ये मानवीय मुद्दा है और इसका व्यवहारिक समाधान निकालने की जरूरत है। 50,000 लोगों का 7 दिनों में रातों रात इन्हें हटाया नहीं जा सकता, लोगों के पुनर्वास की जरूरत है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इससे ही एक लगी कॉपी यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिटेल खबर इसकी 2 पे यहाँ पर है सारी चीजें। यहाँ पर जैसे जैसे बीच में जो बॉक्स है एनबीटी समझें, इसमें क्वेश्चन आंसर के रूप में खबर पूरी है जिसमें आप समझ सकते हैं कि इस तरह से चीजें हैं। और हल्द्वानी में अभी नहीं चलेगा बुलडोजर, परिवारों को राहत, तो हल्द्वानी के लोगों को राहत है, राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, ये कहा जा सकता है। किस तरह से रेलवे याची के वकीलों की जो दलीलें हैं और सीएम धामी का क्या कहना है इस पर बिल्कुल मेंशन है। और यहाँ पर जब ये आदेश आया तो किस तरह से फोटोज जो यहाँ पर गिवन है, इसमें मिठाई खिलाकर लोग गले लग रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मतलब इनके चेहरे पर खुशी अलग ही दिख रही है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो जस्ट लीड खबर के बगल में है। सितंबर में होगा एशिया कप, एक ग्रुप में होंगे भारत पाक। बिल्कुल, ये भारत पाक एशिया कप 2023 का आयोजन सितंबर में होना है और इसकी मेजबानी को लेकर अभी कोई ऐसा फैसला नहीं आया है कि ये कहाँ होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में होगा, पर बीसीसीआई इसके फेवर में नहीं है, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में एशिया कप हो। और इस बार 20-20 ओवर फॉर्मेट नहीं, इस बार 50-50 ओवर का फॉर्मेट होगा और इसमें भारत पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और क्वालिफाइड टीम का हिस्सा होंगे, अफगानिस्तान भी उसमें शामिल है। इसमें अभी जो फैसला मेजबानी का है वो अभी अटका हुआ है, इस पर फैसला नहीं। बिल्कुल, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें जोशीमठ में सर्वे करने पहुंची टीम, जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित लोगों ने जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के आह्वान पर गुरुवार को चक्का जाम किया, बाजार बंद करने लोग सड़कों पर बैठ गए। जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला आया था और जिसमें इसके काफी वीडियोस भी सामने आए थे, जमीन धंस रही है, लोग परेशान हैं, मतलब एक तरीके से जान का खतरा बोला जा सकता है। इसी से ये डिटेल कॉपी आप देख सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरा समझाया गया है, आप ढंग से समझ भी सकते हैं कि पूरा मामला है क्या। और इसे लेकर पहले अलर्ट भी किया गया था, घरों के दरकने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, और जिस तरह से दीवारें दरक रही, लोगों में गुस्सा है इस पर, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो अब तक 9 परिवारों को, सॉरी 93 परिवारों को किया गया, और इस पूरी डिटेल कॉपी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, अगली खबर, जैन तीर्थ स्थल समीर शिखर जी के पास पर्यटन पर लगी रोक। झारखंड के गिरिडीह में पार्श्वनाथ पहाड़ी पर जैन समुदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल समीर शिखर जी की पवित्रता बरकरार रखने के लिए केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया है। इस इलाके में इको टूरिज्म सहित हर तरह की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। जी, कल से ये 2-3 दिन से चल रहा है, इस पर था कि कल मीटिंग होने वाली थी जैन प्रतिनिधियों की केंद्र सरकार से, और उसके बाद ही ये सरकार ने फैसला लिया है कि जो निर्देश दिए गए हैं इसे अभी पवित्रता को बरकरार रखा जाए, और मीट शराब बंद, तेज संगीत भी नहीं बजा सकते हैं, ये कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन है, आप इसे डिटेल में। बिल्कुल, अगली खबर जो कि काफी दिनों से चर्चा में है, 1 जनवरी से चर्चित है, दिल्ली का जो केस हुआ था हिट एंड रन केस, कंझावला केस में कार मालिक समेत 2 और आरोपी बनाए गए हैं। इस पर ये अपडेट है, दिल्ली में कार से घसीटे जाने के बाद लड़की की मौत के मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को आरोपी बनाया है, और इस मामले से जुड़े और भी अपडेट, तमाम सीसीटीवी वीडियो और खबरें हम आपको लगातार एनबीटी हमारे वेबसाइट और यूट्यूब पर भी देते हैं, वहां भी जाइए अपडेट रहने के लिए, लगातार जुड़े रहिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले पेज की ओर बढ़ा जाए, तो अगला है दिल्ली महानगर कवरेज। शिमला मसूरी से भी ठंडी दिल्ली, दिल्ली की ठंडी तो फेमस है ही, लेकिन इस साल की ठंडी कुछ ज्यादा ही फेमस हो रही है, जिसको शिमला और मसूरी के ठंड से कंपैरिजन किया जा रहा है तो बड़ी बात है। में तो तापमान कल 2 डिग्री के भाई साहब, 2 डिग्री के करीब, गजब। इसके साथ साथ जो
गर्मियों ने हवा में जहर घोला था, उसे ठंड ने यहाँ पर थोड़ा सा कम किया। हालांकि अभी बहुत राहत नहीं है, पर यहाँ पर जो ठंड को लेकर हम बात कर रहे हैं, आज भी राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कई जगह अभी तापमान न्यूनतम जो जैसे कल 3 डिग्री नोट किया गया था, कई जगह 2.8 था, 2.2 था, यहाँ तक गया, तो ये माना गया कि शिमला मसूरी से भी राजधानी दिल्ली ठंडी हो गई। बिल्कुल, इसी के जस्ट बगल में प्रदूषण से जुड़ी खबर है। 2022 की सर्दियों में प्रदूषण पहले के मुकाबले काफी कम रहा है जी, और गर्मियों में हवा में घोला जहर, ठंड लाई ताजगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 15 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां, 9 से खुल रहे प्राइवेट स्कूल। दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए शिक्षा निदेशालय ने 15 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। हालांकि कई प्राइवेट स्कूल सोमवार से स्कूल खोलने की तैयारी में हैं। बिल्कुल, ये कई प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को 9 जनवरी से स्कूल खुलने का मैसेज और ईमेल भेज रहे हैं, जिसके बाद से जब ये मैसेज मिले हैं पेरेंट्स को, तो अभी वो ठंड में बच्चों को भेजने से डर रहे हैं, और क्लास 9 से 12 के लिए रेमेडियल क्लासेस पहले की तरह चलती रह सकती हैं। ये कुछ डिटेल्स आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, अगले पेज पर बढ़ते हैं, जो कि दिल्ली महानगर की ही कवरेज है। दिल्ली को आज मिल जाएगी नई मेयर, सिविक सेंटर में वोटिंग से होगा फैसला, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी चुने जाएंगे। जी, मेयर चुनाव पार्षदों को शपथ भी दिलाई जाएगी, और इसमें ये भी मेंशन है कि कांग्रेस पार्षद इस चुनाव का हिस्सा नहीं होंगे, और चुनाव के लिए निगम की तैयारियां भी पूरी हैं, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी आज चुने जाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स आपको सबेट के रूप में यहाँ पर मेंशन है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, और एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर तकरार भी तेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से एलजी और आप सरकार दिल्ली की, वहाँ कई बार ऐसी खटपट की खबरें आती रहती हैं। और कुछ ऐसा ही एक और खबर है जिसमें केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी है और बीजेपी ने इसे हताशा बताया है, तो ये भी एक बॉक्स में खबर है जो काफी बिल्कुल। और पांचवा पेज जो कि कंझावला हादसा काफी बड़ा है, इसीलिए इसको यहाँ भी कवर किया गया है। कंझावला हादसे में मर्डर केस नहीं, बिना डीएल अमित चला रहा था कार, बचने के लिए दीपक को किया आगे। इससे जुड़ी डिटेल आप इस पेज पर देख सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। तो उत्कर्ष, अगले पेज यानी कि छठे पेज पर, दिल्ली में मलेरिया से पहली मौत, डेंगू से 2 और लोगों की गई जान। इस साल 2022 में डेंगू से अब तक कुल 9 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है, और ये मलेरिया से पहली मौत हुई है, डेंगू से 2 लोगों की जान गई है, ये अच्छी खबर नहीं है। और जिस तरह से दिल्ली में लगातार केसेस आ रहे हैं, उसमें ये मलेरिया से पहली मौत अभी सामने आई। बिल्कुल, जस्ट बगल में खबर है, बच्चों को छुड़ाया, फैक्ट्री में 15 घंटे कराया जा रहा था काम, 25 बच्चों को छुड़ाया। बिल्कुल, अलीपुर इलाके की घटना, कंस्ट्रक्शन यूनिट से 25 बाल मजदूरों को छुड़ाया गया है, इसको लेकर भी आप डिटेल में खबर पढ़ सकते हैं। और अगली खबर है, पैसेंजर ट्रेनों का बढ़ा हुआ किराया कब होगा कम, दैनिक यात्रियों की मांग, कहा स्पेशल के नाम पर 3 गुना बढ़ाया था। सही, यात्रियों के कई कोर्ट्स हैं जिस तरह में दिक्कत हो रही है, उन्होंने बताया है कि कोरोना से पहले से 10 रुपए में दिल्ली पहुंचते थे, उन्हें 30 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये मांग है लोगों की कि किराया घटाया जाए, देखते हैं कब तक ये फैसला। और एक ज्ञानेश जी, जो कल भूकंप को लेकर थी। हाँ हाँ बिल्कुल, दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, और कई लोगों को, कई लोग तो मैच देखे थे, उन्हें शायद मालूम भी नहीं पड़ा कि कब भूकंप आया, पर कई लोगों ने बताया वीडियो जारी। हाँ, मैं भी NCR एरिया में ही रहता हूँ, मुझे भी पता नहीं चला, कि जब मैंने खबर देखी तब पता चला कि भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बिल्कुल, और अगले पेज पर बढ़ें। ठीक है, तो ये है 8वां पेज, प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम की रेस शुरू, नीट PG5 मार्च को, 5 मार्च को। एजुकेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट खबर है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया है, और UGC नेट के लिए भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं, जैसे नीट PG के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, JEE मेन का पहला सत्र कब होगा, और CU ET UGC 21 से 31 मई के बीच होगा, नीट UGC एग्जाम कब होगा, तो सारी डिटेल यहाँ पर पेज नंबर 8 पे मेंशन है। और इसके जस्ट बगल में, हाँ, अमित शाह से जुड़ी खबर है, त्रिपुरा दौरे पर अमित शाह पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक बयान दिया कि राहुल सुने, 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। मतलब ये देशवासियों को भी एक तरीके से बताया उन्होंने कि 1 जनवरी तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, त्रिपुरा में बीजेपी की रथ यात्रा की शुरुआत की, आज वो मणिपुर में। और अब एक कांग्रेस की खबर है कि भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा हो सकती है विपक्षी एकता।
जी, जिस तरह से यहाँ पर कई लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं और कई विपक्षी नेता, हमने फारूक अब्दुल्ला को भी हाल फिलहाल में देखा, जिस तरह से वीडियो भी जारी किया था कांग्रेस ने, तो उसमें भी काफी ऐसा लग रहा है कि शायद ये विपक्षी एकता के लिए। ठीक है, अब 9 नंबर पेज पर बढ़ते हैं। गैंगस्टर के नाम पर धमकाने का आरोप, पांडव नगर केस है ये, और लड़की ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। बिल्कुल, दिल्ली में महिला सुरक्षा पर लगातार सवाल ट्रेंड है। बिल्कुल, कंजावला केस कहीं ना कहीं। अगली खबर क्राइम की ही है। सैलरी अकाउंट खुलवाकर करोड़ों का लेन देन, कंपनी ने स्टाफ के चेकबुक का और दस्तावेज अपने पास रखे, कैश में देते रहे सैलरी। और एक जो बड़ा मामला कल से चर्चा में था, सत्येंद्र जैन, हाँ, जेल अफसरों को धमकाने का आरोप लगा है। एक पत्र जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा है फला फला अफसरों को कि मैं उन्हें जेल से निकलते ही देख लूंगा, और ये जो आरोप लगे हैं ये कुछ अफसरों ने लगाए हैं तिहाड़ जेल के, और जेल महानिदेशक को लिखित शिकायत दी है कि इनका ट्रांसफर दूसरी जेल में कर दिया जाए। तो ये कुछ ये बड़ी खबर है, इसे लेकर पेज नंबर 9 पे पूरी डिटेल दी हुई है। बिल्कुल, तो अब स्पोर्ट्स की ओर बढ़े, खेल पेज की ओर बढ़ा जाए, बात बॉलीवुड की भी कर लेते हैं थोड़ी। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अच्छी खबरें, जैसे हीरोइनों की कमाई और जिंदगी पर घर वालों का कंट्रोल कितना रहता है, इसको लेकर एक इंटरेस्टिंग कॉपी रेखा जी ने यहाँ पर पूरी जिस तरह से डिटेल में बताया, डिटेल में क्या कैसा रहता है पूरा मेंशन है। ऑफ सीजन में शादी करने विदेश, विदेश कपल आ रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह में सीजन नहीं ऑफ सीजन चल रहा है। जनवरी या शायद फरवरी के, जनवरी हाफ जब बीत जाएगा उसके बाद ही शायद शुरू होगा। जैकलिन फर्नांडिस की भी एक खबर है, लोग आ रहे हैं और यहाँ तरह से क्या प्लानिंग है उनकी। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंची जैकलिन फर्नांडिस, ये खबर भी है। बढ़ते हैं और जो खबरें, एक विचार पेज काफ़ी ये मुख्य होता है हमारे एनबीटी का, तमाम हमारे जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लेख लिखते हैं, मृत्युंजय राय और वेद प्रताप वैदिक, तो इनका चुनाव से और देश दुनिया से जुड़े ये लेख होते हैं, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। क्या चुनावों के बिना भी चल सकता है लोकतंत्र, बूढ़े देश की मुश्किल, मोटे अनाज में क्यों बढ़ रही लोगों की दिलचस्पी, शुभकामनाओं पर क्यों ठिठका विपक्ष, ऐसे तमाम आप विचार पढ़ सकते हैं। अब खेल की ओर बढ़े उत्कर्ष। बिल्कुल, यहाँ पर कल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच देखा गया भारत और श्रीलंका के बीच, जो दूसरा T20 हुआ जिसमें कप्तानी पारी खेली श्रीलंकाई कप्तान शनाका ने, और उनकी शानदार 50 जो उन्होंने ताबड़तोड़ 20 गेंदों में बनाई, और उसके बाद जो लास्ट ओवर उन्होंने किया, मात्र 4 रन दिए, 2 विकेट लिए, जहां भारत को वहां पर 21 रन की जरूरत थी वहां मात्र 4 रन खर्चे और 2 विकेट निकाले और टीम को जीत दिलाई, सीरीज बराबर कर दी थी। पूरी डिटेल यहां पर पेज नंबर 13 में आपको मिल जाएगी, किस तरह से कितने लोगों ने क्या कैसे रन क्या किए, कितने विकेट लिए, सारी चीज़ें यहां पर डिटेल कॉपी आपको मिल जाएगी। इसी के नीचे बिजनेस पेज है, तो बिजनेस पर दिया है ऑटो एक्सपो में इस बार होगा ईवी का जलवा, पैसे बचाने और क्वालिटी के लिए लोग करते हैं ऑनलाइन खरीदारी, ये सर्वे है जी। और इसी के नीचे खबर है कौन सी, डायरेक्ट स्कीम से म्यूचुअल फंड में निवेशकों ने खूब कमाया एक्स्ट्रा रिटर्न, और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला की कल मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी से, और पीएम से मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सारी चीजें यहाँ पर पेज नंबर 13 में नीचे आपको इकोनॉमिक टाइम्स जो। बिल्कुल, और आखिरी पेज यानी जिसे फ्रंट पेज 2 कहा जाता है, इसमें भारत के कैंपस में ऑफलाइन ही पढ़ा सकेगी विदेशी यूनिवर्सिटी, दाखिले की कसौटी और फीस तय करने की छूट मिलेगी भारत में। और ये DGCA का एक मामला जो फ्लाइट में महिला पर पेशाब वाली घटना को लेकर था, DGCA को एयरलाइन की खामी मिली है, और इससे ही जुड़ी एक खबर पेज नंबर 1 पर भी थी जिसमें एयर इंडिया उड़ान में एक और हरकत हुई है, नशेड़ी ने महिला को की कंबल को गंदा किया। एक दो खबरें यहाँ पर आई हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छी नहीं है, उस लिहाज से जो यात्रा कर, ठीक है, तो लगभग सारी खबरें हमने उत्कर्ष मेन जो खबरें होनी चाहिए वो कवर कर ली हैं। बाकी डिटेल में जाने के लिए आप NBT अखबार पर जाइए और इसे पढ़िए। और आप लास्ट पेज में NBT गोल्ड स्पेशल में एक स्टोरी है, दूसरी शादी के बाद क्यों छिपा कर रखी दाऊद इब्राहिम, तो दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता है इन्हें, और रिश्तेदार का बयान सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है, ये स्पेशल स्टोरी है कि दूसरी शादी की बात को क्यों छुपा कर रखा था, ये अच्छी स्टोरी, आप इसे पेज नंबर। ठीक है, तो ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नव भारत टाइम्स के साथ। मुझे ज्ञानेश को और उत्कर्ष को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।